कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है नाइलॉन की पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन फाइबर्स। पहला क्या है हमारा, नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। ये क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं कॉटन फाइबर के मुकाबले। नाइलॉन फाइबर्स आर फेयरली इलास्टिक, तो नाइलॉन फाइबर्स क्या होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं कॉटन के अगर हम इसे कंपेयर करें तो। नाइलॉन फाइबर्स आर लाइट वेट, ये काफ़ी हल्के होते हैं। नाइलॉन फाइबर्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मिस माने क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी मटेरियल के होते हैं। नाइलॉन इज रिंकल रेसिस्टेंस, इसमें इतनी जल्दी सिकुड़न नहीं आती जैसे कॉटन मटेरियल में बार बार प्रेस की जरूरत पड़ती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। नाइलॉन फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, इसको ड्राई करना भी बहुत ईजी होता है क्योंकि ये पानी बहुत कम सोखता है, जैसे कॉटन ज़्यादा सोख लेता है तो उसे टाइम लगता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल, नाइलॉन फाइबर्स अगर बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्योंकि ये जो एक तो पानी भी कम सोखता है और ऊपर से लाइट वेट भी है और इलास्टिक भी है, जिसकी वजह से क्या है, ये ड्यूरेबल है। नाइलॉन इज नॉट अटैक्ड बाई मोस्ट बाई और केमिकल सब्सटेंस, जो नॉर्मल केमिकल्स हैं और जो कीड़े होते हैं जो कपड़ों में लग जाते हैं जैसे कॉटन में लग जाते हैं ज़्यादातर, बट ऐसा इसमें नहीं है। अब देख लेते हैं हम यूजेज ऑफ नायलॉन, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है नायलॉन का। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स, वो भी यहाँ पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जैसे कि साड़ी, शर्ट, नेक टाइज और एक्सेट्रा। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्टन्स, कर्टन्स में यूज़ किया जाता है, स्लीपिंग बैग्स मतलब तकिया हो गया, और टेंट्स में यूज़ किया जाता है। टेंट्स जैसे हम शादी बारात में जो टेंट्स में जो कपड़ा लगाते हैं वो किसका होता है, नायलॉन का होता है। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सी बनाई जाती है, कार के जो सीट बेल्ट्स हैं और जो मछली पकड़ने का जो नेट होता है और गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है और जो ब्रश के ब्रिशल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे नायलॉन से बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।